हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी कद्दू का हलवा, जिसके लिए मैंने कद्दू लिया है या सीताफल, उसको इस तरीके से कद्दूकस किया है मैंने। और चीनी, देसी घी, काजू, बादाम और छोटी इलायची पाउडर लिया है। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है गर्म होने, और इसमें घी डाल रही हूँ मैं। घी को गर्म होने देंगे हम थोड़ा सा, और अब मैंने इसमें कद्दू डाल रही हूँ या सीताफल, जो भी आप लोग बोलते हैं, ये डाल दिया है। अब फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी और इसको 2-3-4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी हाई फ्लेम में। ये देखिए, 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई करा है, और अब मैं इसको पकने के लिए ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ढक दिया है मैंने इसको 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी कि हमारा कद्दू पका है कि नहीं। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है और हमारा कद्दू पक चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी मैं 1 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें देखिए चेक कर लेते हैं हमारा कद्दू पका है कि नहीं पका। ये देखिए, हमारा कद्दू पक चुका है। और अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप मीठा खाते हैं ज़्यादा तो मीठा, कम खाते हैं तो कम। ये देखिए, अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया, इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसको तब तक चलाऊँगी जब तक चीनी हमारी अच्छे से पिघल नहीं जाती है और हलवा हमारा थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। तब तक मुझे इसे चलाना है और फ्लेम को हाई रखनी है। ये देखिए, चला चला के अच्छे से हम चीनी को पिघला लेंगे। ये देखिए, अब चीनी हमारी पिघल चुकी है, देख सकते हैं आप। घी हमारा साइड साइड में लगने लगा है, सेपरेट सा होने लगा है। और अब मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, इसे भी मिक्स करना है हमें। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि मेरा हलवा एकदम डन हो चुका है, क्योंकि घी साइड में आप देख सकते हैं दिख रहा है अच्छे से। इसका मतलब है परफेक्टली कुक हो चुका है, पक चुका है। और अब मैंने फ्लेम ऑफ करी है, और अब मैं इसमें थोड़े से ऊपर से बादाम डाल रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, देखिए, गार्निशिंग के लिए। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था पहले ही, और हमारा हलवा सर्व करने के लिए गर्मा गर्म एकदम तैयार है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से और कम इंग्रेडिएंट बनने वाला बहुत ही टेस्टी हलवा है। आप लोग भी इसे ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।